सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पपाया कोडस। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने हमारी नई लेटेस्ट वीडियो जो कि एक जिप्ट एप्लीकेशन का क्लोन था बिल्कुल देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और उसको एक बार देखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी आपका जानने वाला एंड्रॉयड सीखना चाहता है या फिर कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता है तो हम बिल्कुल उसको रिकमेंड करेंगे। और बिल्कुल आप प्लीज हमारी एसिंक्रोनस जावा के ऊपर भी वीडियो देखिए। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हमने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद नोट्स आपको मिलने वाली ये वीडियो। सो आई होप कि आप ये सारी वीडियोस हमारी देखेंगे। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक क्लाउड एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। अब एंड्रॉयड स्टूडियो तो हम सभी जानते हैं, बट क्लाउड पे एंड्रॉयड स्टूडियो, सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये तो अभी नहीं था। सो गाइज, ये चीज अब पॉसिबल हो गई है विद द हेल्प ऑफ फायरबेस स्टूडियो। सो यू नीड टू गो टू द वेबसाइट व्हिच आई एम टाइपिंग। यू जस्ट नीड टू गो एंड टाइप फायरबेस स्टूडियो ऑन द सर्च बार और आप सबसे पहले यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। सो बेसिकली फायरबेस स्टूडियो क्या है, वो एक एंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है विद द हेल्प ऑफ एआई। इसमें बिल्ट इन जेमिनाई है जो आपके एप्लीकेशन को बनाने में काफी हेल्प करने वाला है। So, आप देख सकते हैं जैसा कि एक फुल स्टैक एआई वर्कस्पेस है ये। सो बेसिकली आप अपना पूरा ऐप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू सेट अप योर लैंग्वेज एंड एआई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स। लाइक आप देख सकते हैं कि हर चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। लाइक आपको सारी फाइल्स, आपको सारी डिपेंडेंसी सब प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है एआई इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गिव इट अ लुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस थिंग, ओके। सो लेट्स ट्राई दिस फायरबेस स्टूडियो। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड मेक श्योर करिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने यहाँ पर सेव कर रखा, अगर आपने ऑलरेडी बनाया है। एंड मेक श्योर करिए कि आपका इंटरनेट काफी अच्छा हो, बिकॉज दिस थिंग इज इन डेवलपमेंट राइट नाउ एंड आई वुड से कि एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन आपको हेल्प करेगा। सो हियर आप देख सकते हैं कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो टेक्नोलॉजी पे काम करना है एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। आपको गोलैंग पे काम करना है, पाइथन पे काम करना है, जावा एंड लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। It's like totally free right now and it's totally worth it. Android Studio, Flutter, Angular, Next.js, Node, Gemini API, and you can see that we have all of this thing, even though we have Genkit also, right? So I would say you can start using this. Let's try this. Help me make an app to organize my work. Right. So this is my prompt. So just let's wait and see what happens. Even though मैंने एक project यहाँ पर बनाने की कोशिश की थी, Zoom clone आपने देखा जो. So yeah, guys, you can do it like that. Okay. So this is giving some suggestions. Like Kotlin task manager, task creation करना चाहिए इसमें मेरे को, it is giving me all the features, task completion and tracking, AI task duration eliminator, like it is giving me some colors, iconography and animations. Yeah, let's move ahead and prototype this app. Okay, so this is going to prototype the whole application for me so that I can look and have a look that how this thing is going to look, right. Literally, I am doing nothing and all of this thing is done by AI. आप खुद देख सकते हैं ये सारी फाइल्स क्रिएट करी, इवन द एनवायरनमेंट भी इसने सेटअप कर रखा है। यू कैन सी द br.env फाइल ओवर हियर। ओके, लेट्स वेट एंड हैव अ लुक कि क्या होने वाला है। दिस थिंग्स लुक्स कूल। ओके, लेट्स वेट। ओके, सो यू कैन सी कि इसने मेरे को एक प्रोटोटाइप जनरेट करके दिया है कि मेरा एप्लीकेशन कैसा दिखने वाला है राइट नाउ। ओके, आई कैन सर्च द टास्क फ्रॉम हियर, आई कैन
write my task title, and this is my description. Let me pick a date, let's say 18th, and yeah, let me set the priority. Okay, so I have added a task like this, and so this is the example. I can see hotel booking. I can delete a task. Okay guys, trust me, this thing is very good. जो टास्क मैंने ऐड किया था यहाँ पर, आई कैन सी दैट पर्टिकुलर टास्क इन द लिस्ट. सो आप देख सकते हैं कि मैंने लिटरली कोई कोड टाइप नहीं किया है, एंड आई हैव गॉट अ फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन प्रोटोटाइप इन फ्रंट ऑफ मी. एंड इफ आई वांट, आई कैन इंटीग्रेट एआई इनटू दिस विद द हेल्प ऑफ द जेमिनी एपीआई की. सो आई जस्ट नीड टू एंटर माय एपीआई की ओवर हियर, राइट? सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल कि फायरबेस स्टूडियो कितना पावरफुल होने वाला है. राइट नाउ आई वुड से दैट दिस थिंग इज इन डेवलपमेंट, और अभी ये और अच्छा होने वाला है. सो आई वुड से गिव इट अ लुक गाइस, प्लीज विजिट फायरबेस स्टूडियो. एंड डेफिनेटली हम एक वीडियो और लाने वाले हैं जिसमें हम एआई की मदद से एक पूरा फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाने वाले विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक 15 और 20 मिनट्स, एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई. ओके गाइस. Okay, so that's it for this video. Let's meet in another video.